Okay, so so what is this? I called the theater Oh my goodness! Okay. Uh oh, it's not amazing You have to rip it. I have to rip it. <laughs> oh Help him, Gabby. <laughs> the Holy Mother bless you, Have you, you? you. Wow. wow. Wow, you did it. I did it. That's amazing. Yeah. The Holy Mother, yeah. the Holy Mother bless you, bless you. दिस इज प्योर इवल बिशप मरमरी को जो कुछ आप समझते हैं वो वो नहीं है इवन के इनका नाम भी जो आपको पता है ना मरमरी Manuel, वो इनका असली नाम भी नहीं है आज की वीडियो में आपको ना सिर्फ इनका असली नाम बताया जाएगा इनका एजेंडा बताया जाएगा और इनकी तालीम बताई जाएगी कि असल में बिशप मरमरी है क्या और आप इनको क्या समझते आए हैं गो कि अभी हाल ही में जो इनके ऊपर अटैक हुआ था उसके बाद बहुत सारी इनको सिंपत्ति मिली और बहुत से लोग इनकी तरफ हो गए लेकिन कभी आपने नोटिस किया है कि जब किसी की एक आंख डैमेज होती है तो वो एक काले चश्मे लगा लेता है ताकि दोनों आंखों के ऊपर चश्मा आ जाए नजर ना आए नीचे जो भी जख्म है लेकिन आप नोट करें जब से इनके ऊपर अटैक हुआ है इन्होंने अपनी वन आई सिंबलिज्म बना के रखा हुआ है अभी आपको मेरी बातें फजूल लग रही होंगी लेकिन आप नोट करें जैसे जैसे हम इस वीडियो में प्रोग्रेस करते जाएंगे आपको समझ आती जाएगी कि कैसे बिशप मरमरी जेजुएट है जी हाँ ये एक जेजुअट है जो कि कैथोलिक चर्च के अंदर ही एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसको सोसाइटी ऑफ जीसस कहा जाता है आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था सुप्रीम सुपीरियर जर्नल ऑफ द सोसाइटी ऑफ जीसस जो कि ब्लैक पोप है इस वक्त कैथोलिक चर्च के अंदर दो पोप है जी हाँ दो पोप हैं और जो ब्लैक पोप है वो कंट्रोल करता है या अथॉरिटी रखता है वाइट पोप के ऊपर जो कि पोप फ्रांसिस है यानी कि जो कुछ भी पोप फ्रांसिस कर रहे हैं हम जिन प्रस्ती और ये सब कुछ वो कौन उसको ऑर्डर दे रहा है ब्लैक पोप ब्लैक एंड व्हाइट डिओ आपको नजर आ गई गुड और इवल तो जनाब इन्होंने जो काले कपड़े पहन रखे हैं इनके जो कपड़े हैं अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे ये जेजुएट के कपड़े हैं

नोट किया आपने इसको बोलते हैं जी आइडल वर्शिप यानी कि बुतों की पूजा करना खुदा के कलाम में लिखा है किसी भी तराशी हुई मूर्त या किसी भी ग्रेवन इमेज के सामने आपने झुकना नहीं है लेकिन रेगुलरली अब इनको जान बूझ के प्लेस किया गया है एक ऐसी हायर जगह के ऊपर और ये ट्रंप को इतना सपोर्ट क्यों करते हैं उसकी रीज़न ये है कि ट्रंप खुद एक जेजुएट है जी हाँ ट्रंप की एजुकेशन जो है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक जेजुट कॉलेज से ट्रंप ने ग्रेजुएशन की है दो साल ये वहाँ पर पढ़ा है और इसकी पूरी पूरी ट्रेनिंग हुई है कि कैसे ब्लैक एंड वाइट करना है कैसे गुड और ईवल करना है कैसे मैनिपुलेशन करनी है ये जो जेजुट्स हैं ये दुनिया के सामने जो बने हुए होते हैं ये असल में वो नहीं हैं इनको कैथलिक चर्च से निकाल दिया गया था और अब ये कैथलिक चर्च के ऊपर राज कर रहे हैं तो गाइस देर इज़ अ हिडन एजेंडा बिहाइंड जो कि अभी इस वक्त चल रहा है और वही एजेंडा मैं आपको एक्सपोज करके बताता रहता हूं तो अपनी वीडियोस के अंदर आज की वीडियो में बिशप मरमरी को एक्सपोज करना इसलिए ज़रूरी हो गया क्योंकि बहुत सारे लोग इनसे मोहब्बत कर रहे हैं और ऐसे मोहब्बत में अंधे हो चुके हैं कि खुदा के कलाम को और खुदा की जात को पीछे करके मरमरी को होली एग्जाम्पल यसु मसीह की समझ रहे हैं जिसकी वजह से खुदा का कलाम आपकी आंखें खोलना चाह रहे हैं अगर आप ये सब कुछ देखने के बावजूद भी इग्नोरेंट ही रहना चाहते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि मेरे लोग अदम मार्फत से हलाक हुए आप देखिए खुदा के कलाम में लिखा है यूसमसी ने क्या कहा यूस मसी ने कहा इफ वर ऑफ द वर्ल्ड अगर आप इस दुनिया के होते द वर्ल्ड वुड लव हिज ओन यानी कि अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुम्हें अपनों की तरह मोहब्बत रखती तुमसे बट बिकॉज यू आर नॉट ऑफ द वर्ल्ड क्योंकि तुम इस दुनिया के नहीं हो बट आई हैव चोजन यू आउट ऑफ़ द वर्ल्ड क्योंकि मैंने तुम्हें इस दुनिया से चुन लिया है देअर फोर द वर्ल्ड हेटथ यू जिसकी वजह से दुनिया तुमसे नफरत रखती है आज लोग मुझसे इस तरह से नफरत रख रहे हैं कि जैसे पता नहीं मैं उनके खिलाफ हो गया हूँ या मैं खुदा के खिलाफ हो गया हूँ मुझे तो इस तरह से लोग समझना शुरू हो गए कि जैसे मैं खुदा के लोगों के खिलाफ हूँ अजीजों अगर कोई भी शख्स इस दुनिया के मुताबिक बात करेगा तो उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत मिलेगी क्योंकि दुनिया उससे ज्यादा मोहब्बत रखती है जो कि दुनियावी होता है और मैं आपको साबित करूँगा आज की वीडियो में कि कैसे बिशप मरमरी टोटली दुनियावी शख्स है ठीक है यहाँ पर नोट किया आपने होली मदर होली मदर यह बार बार करेगा जबकि खुदा के कलाम में लिखा है कि हमारा इंसानों का और खुदा का दरमियानी सिर्फ यसु मसी है लेकिन ये किसको दरमियानी मानते हैं मुकदसा मामरियम को और ये मुकदसा मामरियम को भी नहीं पूछते ये बेसिकली उसके इमेज को पूछते हैं जो कि एक झूठा एक फॉल्स इमेज है फॉल्स मैरी आपको पता है कौन है आसमान की मलका जिसको कहा गया है जिसको जिसको मुकाशफा की किताब में साफ साफ लिखा हुआ है कि वो खुद को कहती है कि मैं मैं कभी भी दुख नहीं देखूंगी वो कस्बी उसको कहा गया है ये उसकी वर्शिप करते हैं ये उसको खुदा मानते हैं उससे दुआ करते हैं जब आप किसी से दुआ करते हैं इसका मतलब ये है कि वो आपका खुदा है इसी तरह से ये लोग ज्यादातर आपने नोटिस किया होगा कि ये मुर्दों से दुआ करते हैं जो सेंट्स हैं जो मर चुके हैं उनसे दुआ करते हैं ये हर तरह से खुदा के कलाम के उल्ट चलते हैं अब आप नोट करें कि यहाँ पर ये यह कितनी बड़ी ब्लास्टमी कर रहा है और कैसे ये सटेनिक है कैसे ये डॉक्टर ऑफ द है वो मैं आज की वीडियो में आपको सबूत के साथ बताने वाला हूँ यहाँ पर यह कह रहा है कि मैं खुदा से अगर मुझे एक विश मिले करने के लिए यानी कि अगर मैं खुदा से कोई ख्वाहिश करूँ और खुदा कहे कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही ख्वाहिश है जो कि तुम तुम्हारी मैं पूरी कर सकता हूँ तो वो एक ख्वाहिश मेरी ये होगी कि यसु मसीह को बच्चा बना के मेरी गोद में दे ताकि मैं उसके साथ खेलूँ कैन यू बिलीव आप जरा सुनिएगा ये कहता क्या है बिकॉज आई वन साइज मैं उसकी जो चर्बी से भरी हुई टांगे हैं उनको मैं पिंच करना चाहता हूं उसको चुटकी काटना चाहता हूं स्पेशली वन फैट सो यू द आर्म्स

ठीक that, है जी उसके बाद अगर मैं हेल भी चला जाऊं तो कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है मुझे हेल में डाल दो बेशक यह करने के लिए आपको पता है ये बात ये क्यों कर रहा है ये जो शैतान के पुजारी हैं ये यसु मसीह को छोटा बनाते हैं और लूसीफर को उसका बाप बनाते हैं यही एक क्लिप मैंने आपके साथ शेयर किया था आपको याद होगा कि जिसमें कैथलिक चर्च के अंदर ईस्टर वाले दिन गाया जा रहा था कि लूसीफर क्राइस्ट तेरा बेटा है यानी कि यीशु मसीह को बच्चा बनाया जाता है और लूसीफ़र यानी कि शैतान को उसका बाप बनाया जाता है उसको गॉड बनाया जाता है उसको बड़ा बनाया जाता है और यही सेम इसका सबूत पता क्या है इसका सबूत यह कि कई ऐसी मूवीज़ हैं जिसमें बच्चा दिखाया गया खुदा को एग्जाम्पल के तौर पर एक्सडिस मूवी अगर आपने देखी है गॉड्स एंड किंग्स वाली तो उस मूवी के अंदर इन्होंने गॉड को एक बच्चा दिखाया ये वाला बच्चा दिखाया मैं अभी आपको सीन दिखाने वाला हूं मुझे नहीं पता इसके ऊपर कॉपी आने वाला है कि नहीं आने वाला अगर कॉपी आएगा तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा अगर कॉपी नहीं आता है तो आप ये क्लिप अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कॉपी नहीं आया ऐसे मूवीज के अंदर बच्चा दिखाया जाता है खुदा को और ये शैतान के पुजारियां जो कि ऐसा करते हैं यहां पर बिशप मरमरी की क्या डिजायर है कि जी मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मुझे बच्चा बना के दे दो यसु मसीह और मैं उसको ऐसे कडल करूं मैं उसको चूंटियां काटूं और फिर उसके बाद मैं उसको रुला दू वाई डज ही वॉन्ट टू मेक जीजस क्राई ये मशकूक बात है और सबसे बड़ी बात यह कि मैंने आपको बता दिया कि यह एक जेजुट है जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है कैथलिक चर्च के अंदर फिर यह आसमान की मलका जो है जो अस्तरात देवी है जो इश्तार जिसको बोला जाता है उसकी पूजा करने वाले लोग हैं आपको यकीन नहीं आ रहा मैं अभी आपको दिखा देता हूं ये जब इनके ऊपर अटैक हो चुका था उसके बाद का क्लिप है जिसमें यह जिक्र कर रहे हैं कि कैसे इनकी जो दुनियावी मां थी वो जब मर जाती है और मरने के बाद वो इनको विजिट करने के लिए आती है दो बार कैन यू बिलीव मुर्दे वापस नहीं आ सकते हैं जो कोई भी इस दुनिया से चला गया है वो वापस नहीं आता है चाहे आपको ख्वाब हाँ आए चाहे आपको विजन आए वो फेमिलियर स्पिरिट्स होती हैं वो ओरिजिनल वो शख्स वापस नहीं आ सकता इस तरह तो फिर कोई भी किसी को भी बुला ले लेकिन कोई जादूगर किसी शख्स को वहां से वापस नहीं लेके आ सकता जहां पर वो चले गए लेकिन आप नोट कीजिएगा कि इस क्लिप के अंदर कैसे ये दावा कर रहा है कि इसकी जो माँ है वो इससे मिलने के लिए आती है दो बार एवर um, सिंस so, um, many अर्थली many, many ago. वादा किया था हमारे साथ मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा लेकिन आप नोट करें कि ये खुदा के कलाम से इनकी कोई भी बात मैच नहीं करती है कि जितनी बातें इन्होंने की है ना एजेंडाज वाली फ्री मेसन के खिलाफ यू के खिलाफ एल के खिलाफ वो सारी बातें सिर्फ और सिर्फ आपकी अटेंशन लेने के लिए थी She left me, and this Sunday actually is her, her one year since she left. Feels like yesterday. I not only believe, but I know where she is definitely in paradise. She is there. Um, I spent about three days, three and a bit days in hospital, and then left the hospital and stayed in this place I was in extreme, extreme, extreme pain you could ever imagine. It wasn't easy um, anyway I think it was the um, day that I was out of hospital this would have been late at night. I can't sleep, the pain is Yeah. अब आप नोट करें कि ये सिम्पति लेने के लिए बार बार आपको बता रहे हैं। मुझे बहुत पेन हो रही थी मुझे बहुत पेन हो रही थी और दूसरे नंबर पर मैं आपको बता दूं कि जब मैंने इनके ऊपर वीडियो बनाई थी तो जैनली मुझे दुख हुआ था एक इंसान होने के नाते मुझे दुख हुआ था लेकिन आप नोट करें कि ये लोग किस तरह से डिसीव करते हैं ये सामने कुछ और बने होते हैं अंदर से ये कुछ और हैं ये कुछ और बिलीव करते हैं गायस ये वो बिलीव नहीं करते जो आप बिलीव करते हैं आप अपने यीशु मसीह को अपना सेवियर मानते हैं लेकिन ये मुकदसा माँ मरियम को वो दर्जा देते हैं कि वो हमारी सेवियर है होली मदर है अगर मुकदसा माँ मरियम होली होती होली का मतलब जब ये होली नाम लगाते हैं पाक का मतलब नहीं है यहाँ पे इसका मतलब है गॉड अगर वो गॉड होती तो वो ये ना कहती एंड मैरी सेड माई सोल डूए मैग्निफाई द लॉर्ड एंड माई स्पिरिट हैथ रिजॉयस्ड इन गॉड माई सेवियर यसु मसीह मुकदसा मा मरियम के भी बचाने वाले उनके सेवियर हैं उनके मसीह हैं लेकिन आप नोट करें कि ये कैसे मुकदसा मा मरियम को ऊपर करते हैं और जो यसु मसीह जो सेवियर हैं उनको नीचे कर देते हैं उनको बच्चा बनाया जाता है और यही होता है जब आप बुत परस्ती करते हैं तो आपके जैन के अंदर चौबीसों घंटे वही एक स्टैचू जैसी शेप ही होती है कि यसु मसीह आज भी शायद इतना सही है so um, i'm just sort of, sort of leaning back in bed and i happen to close my eyes i know i was not asleep i know this for a fact i was not asleep i just closed my eyes ever since my earthly mother left um, i asked to see her a um, few months back i saw her laying in my bed at home she just woke up and walked, she didn't say anything, and that was it. This is demonic. Hai. totally demonic, hai guys. Koi bhi aapke ke ke sohke, jata. This is totally demonic. And the second time was after the incident by four days, more or less. So I'm leaning back and I'm, I just closed my eyes. And out of nowhere, it even startled me. I see this mouth. And then this face, and it was my mom, my earthly mom, in her old age as well. She came and she glued her face on my face just to tell me, even though I'm in paradise, but my heart is with you. So this is for those who say, when people leave, they don't hear you, <laughs> they're disconnected. No such thing. Please. Yellow. खुदा का कलाम साफ़ कहता है खुदा का नबी कहता है कि जब मैं मर गया तो सब कुछ जो है वो ख़त्म हो जाता है यानी कि आप दुआ भी नहीं कर सकते उसके बाद तो ये कैसे मुकदसा मरियम से मुझे समझ नहीं आती कि ये क्यों ऐसा करते हैं गो कि मुझे पता है कि पीछे ये डी कोई और है कोई और स्पिरिट इनको ड्राइव करती है जो कि ये बिलीव कर देंगे सब कुछ लेकिन आप नोट करें कि ये किस तरह से यसु मसीह के बजाय एक मुर्दा शख्स से चाहते हैं कि वो इसके लिए दुआ करें अब नोट करें कि इनकी माँ के कह रही है कि जी मैं बेशक पैराडाइज में हूँ लेकिन मेरा दिल तुम्हारे साथ है मैं अभी भी तुम्हें सोचती हूँ तुम्हारी आवाजें ऊपर आती है लो जी जीड इंटेंश ही एक रेफरेंस नहीं ये दे सकता कि जब मुर्दे आए हों और मुर्दे आके जो है ना वो आपसे मिल रहे हों या आपको आके कहें कि जी मेरे से दुआ करो Or the you don't, see. don't be narrow minded, stubborn, don't. Holy Spirit cannot work in people that are narrow minded, fanatic, and stubborn. Cannot. Relax. Yeah? And have a fish burger and a chocolate sundae, which I have had a couple of occasions now. <laughs> so, she appeared right before my face and glued herself on me. And then, the next thing i saw she is standing a couple of meters away from me extremely happy excited you know now when somebody is this is real doing this saying to me come 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 in a rush but full of joy come 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 quickly i want to take you somewhere the holy mother is waiting to see you ठीक है होली मदर इज़ वेटिंग टू सी यानी कि मुकदसा मामलर ये मैं इसको देखना चाहती है वो इससे मिलना चाहती है यसु मसीह को कोई इंतजार नहीं है इसका इसका क्या मतलब है जिसने अदालत करनी है जिसने आपको सजा और जजा देनी है उसको आपका कोई इंतजार नहीं है आपको आपका इंतज़ार कौन कर रही है जो कि खुद मोहताज है सेवियर की कैन यू बिलीव अब यहां पर नोट कीजिएगा कि यह टोटली डिमोनिक है ये सब कुछ So she came crying to my earthly mother, begging, her. this happened in front of my eyes. एक औरत थी जो कि जी उसकी उसके बेटे की डेथ हो जाती है या उसका एक्सीडेंट हो जाता है तो वो चाहती है कि उसका बेटा वापस जिंदा हो जाए या उसका बेटा बच जाए तो वो आती है जी मरमरी जो है इनकी वालदा के पास और इनकी वालदा जो है उन्होंने अपर रूम के ऊपर यानी कि जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ पर एक चैपल बना के रखा है जिसके अंदर तस्वीर लगी हुई है मुकदसा माँ मरियम की और वो वहाँ पर मोमबत्तियाँ जला कर अकेले दुआ करने जाती हैं और वहाँ पर उनको मुकदसा माँ मरियम मिलने भी आती हैं आ, इनकी माँ को कह रहे हैं कि जी मैं सिनर हूँ और तुम क्या हो सेंट हो mother, praise, और होली मदर तुम्हारी बात मानती है अब जो कुछ होगा ना आप नोट कीजिएगा कितना डिमोनिक है घुटने the... किसके सामने टेके हैं एक आइडल के सामने एक बुत के सामने एक तस्वीर के सामने जो कि किसी इंसान ने बनाई अपने हाथों से इमेजिनेशन से जो कि कहीं से भी मुकदसा की तस्वीर नहीं है लेकिन उस स्ट्रेंज तस्वीर के सामने उसने घुटने टेके कैंडल जलाई और not, अकेले कितनी देर वहां पर दुआ की मुझे नहीं पता उस रात

ठीक है एक ह्यूमन हेड एक कटा हुआ सर उसके हाथ में था ह्यूमन हेड शी ठीक है जी ये एक नया सर है जो कि मैं मेरी क्रिएट करके एडवर्ड को जो शायद मर गया था उसके लिए मैंने नया सर बना दिया यानी कि यहाँ पर आप नोट कर रहे हैं कि यहाँ पर इसने मुकसा मामरियम को क्रिएटर और खुदा डिक्लेयर किया है मुकदसा मरियम आपको कुछ नहीं दे सकती हैं क्योंकि शी ऑल्सो नीड्स जीजस उनको खुद यसु मसीह की जरूरत है वो आपको क्या क्रिएट करके दे सकती शी इज़ अ क्रिएटर ये चीज क्यों नहीं समझ आती लोगों को उनका उनकी इज्जत अपनी जगह है बट शीडमैन <laughs> ठीक है यू नीड टू थैंक होली मदर यू डोंट नीड टू थैंक गॉड कि उसने उसको जिंदगी दी आपको होली मदर को आके जो है ना दर्शन देने हैं उनके सामने घुटने टेकने दिस इज टोटली अजीजो खुदा का कलाम साफ साफ कहता है कि फॉर देर इज वन गॉड एंड देर इज वन मीडिएटर बिटवीन गॉड एंड मैन द मैन क्राइस्ट जीजस यानी कि यसु मसीह के अलावा दरमियानी और कोई है ही नहीं यसु मसीह ने कहा कि मेरे वसीले के बगैर कोई बाप के पास आ नहीं सकता तो आप कैसे एक ऐसी औरत को जिसने बाद में और बच्चे भी ज़मीन के ऊपर पैदा किए वो कमवारी नहीं रही जो कि ये मानते हैं कि हमेशा तक कमवारी ये हमेशा तक कमवारी रहने वाला जो डायलॉग है ना ये इशतार देवी का है कि मैं हमेशा तक कमवारी रहती हूँ उसने अपने बेटे से भी शादी कर ली थी ये मुकदसा माँ मरियम का ये डायलॉग नहीं है ये आपको कहीं पर भी कलाम में पढ़ने को नहीं मिलेगा हमेशा तक कमवारी सो वाई दीज गायज़ आर ऑलवेज कि जी मुकदसा माँ मरियम जो है वो हमेशा तक कमवारी हैं वो होली हैं वो जिंदा हैं वो अभी भी आती हैं विजिट करती हैं ये सब कुछ डिमोनिक है इसके पीछे कोई और स्पिरिट काम कर रही है ये फॉल्स क्राइस्ट को मानते हैं ये फॉल्स डॉक्ट्रेन के ऊपर चलते हैं इनका बाइबल से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है इनके अंदर आपको कलाम की कमी नज़र आएगी उसकी रीज़न ये है कि ये इमोशनल होके जो इनके दिल में आता है ये वो कलाम देते हैं इनका खुदा के कलाम से कोई ताल्लुक नहीं है ये वजह है कि ये ट्रंप को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और ये सपोर्ट करेंगे उसकी रीज़न ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जेजविट जो एजुकेशन है उन्होंने वो हासिल की थी और ये आप इसका सिंबलिज्म देख सकते हैं ये वो यूनिवर्सिटी का लोगो है एक रैम बना हुआ है जो कि जादूगरी में भी इस्तेमाल होता है फोर्डम यूनिवर्सिटी है ठीक है जी और आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं ये यूनिवर्सिटी है जिससे ट्रंप ने एजुकेशन ली है तो गायज आई होप आपको समझ आई होगी कि बिशप मरमरी असल में हैं क्या वो बिलीव क्या करते हैं और उनका फेथ क्या है उनका फेथ अपनी जगह जो कुछ भी है अगर वो यसु मसीह को इज्जत देते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात इसलिए नहीं है क्योंकि जो जन्नात हैं जो डीमन्स हैं वो भी उसके सामने घुटने टेकते हैं तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि अगर आप मानते हैं कि यसु मसीह क्राइस्ट है बड़ी बात यह है कि अगर आप मानते हैं कि यसु मसीह ही क्रिएटर है वही कलमा है वही शुरू से है वही आखिर तक है अगर आप ये बिलीव करते हैं तो देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक लेकिन अगर आप यसु मसीह को बच्चा बना के उसको आप रुलाना चाहते हैं दिस इज टोटली डिमोनिक ईवल थॉट्स हैं आपकी क्योंकि यीशु मसीह कोई बच्चा नहीं है अब जब वो वापस आएगा तो वो कोई बेबी नहीं है और आपकी ख्वाहिश के लिए खुदा कोई ऐसा नहीं कि किसी इंसान बड़े से इंसान को छोटा सा बच्चा बना देगा जादू से ऐसा नहीं होने लगा आई होप कि इसके बाद कुछ लोगों की आंखें खुलेंगी मुझे पता है मेजोरिटी जो है वो मुझे गालियां ही देंगे वो मुझसे नफरत ही रखेंगे उसकी रीज़न ही ये है कि यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तुम दुनिया के होते तो दुनिया तुमसे अपनों की तरह मोहब्बत रखती क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चुन लिया है इस दुनिया से अहदा कर लिया है इसलिए मैं दुनिया के नोशन के साथ नहीं जाता अगर आप भी यीशु मसीह के चुने हुए हैं तो आप भी यीशु मसीह की आवाज़ को पहचानेंगे उसको सुनेंगे क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती हैं वो किसी और के पीछे नहीं जाएंगी लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज लोग जो हैं यीशु मसीह से डोनाल्ड ट्रंप को कंपेयर करते हुए इसको क्राइस्ट की जगह दे रहे हैं विच इज वेरी वेरी सैड